वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। इस तरह देश का माहौल चल रहा है और भाजपा सरकार जो देश में असंवैधानिक रूप से नए नए कानून लाकर देश को बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है, इसके खिलाफ महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस 5 जनवरी को शाम में 6 बजे पैटर्न गेट से लेकर भड़कल गेट तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले तक हम लोग कैंडल मार्च करेंगे। इस कैंडल मार्च के अंदर एक कैंडल मार्च ही नहीं है, इसमें इस देश के संविधान को बचाने की एक लड़ाई है जो कांग्रेस हर स्तर पर लड़ रही है। यूथ कांग्रेस इसके अंदर बराबर से इस लड़ाई के अंदर हिस्सा बनी हुई है। महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस जो है तो कैंडल मार्च करेंगी और इसके अंदर यूथ कांग्रेस, NUCI, फादर कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस के जितने फ्रंटल है सारे लोग यहाँ इसके ऑर्गेनाइजेशन शामिल रहेंगे। और मैं इस औरंगाबाद के तमाम शहरियान से अपील करता हूँ, NGO से अपील करता हूँ, तमाम डॉक्टर्स, वकील, एडवोकेट सारे लोगों से अपील करता हूँ कि इस कैंडल मार्च के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होकर इस कैंडल मार्च का हिस्सा बनिए। इस गांधी यात्रा को जो इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ी जा रही है इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। जिस तरह से देश का माहौल है, जिस तरह से नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, संविधान के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये तो देश में हिटलर शाही का ही माहौल है। अगर नरेंद्र मोदी हिटलरगिरी कर रहे हैं तो हम गांधी जी के विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं। हम गांधीगिरी करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, हम सत्याग्रह के मार्ग से जो तो इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या NRC से मुल्क को खतरा ला? डेफिनेटली अगर कभी समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर लिस्ट बनाई जाएगी, अलग अलग करके बांटा जाएगा, तो ये देश को तोड़ने की राजनीति है। ये 1947 के टाइम पे पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, ये उसी तरह से जो है तो पैटर्न पे जो तो देश को बांटने का काम हो रहा है। क्या एक दिन के कैंडल मार्च से ये मसला हल हो जाएगा? ये एक दिन का कैंडल मार्च नहीं है। सबसे पहले हमने मेमोरेंडम दिया था, मेमोरेंडम देने के बाद जो तो अभी हमारा दूसरा स्टेप है कि हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम इसके बाद भी अलग अलग तरीके से हमारे आंदोलन जारी रखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी हर रोज़ एक नए तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और ये लड़ाई लड़ रहे, तो हम भी उनके मार्गदर्शन में हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस कैंडल मार्च में लेडीज विंग भी रहेंगी? इस कैंडल मार्च के अंदर क्या लेडीज विंग भी रहेंगे, इसमें स्टूडेंट्स भी रहेंगे, इसमें सारे वर्ग के युवा, बड़े बुजुर्ग सब लोग शामिल रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक समाज की या किसी एक वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। तो हिंदुस्तान में हर वो नागरिक जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसकी नागरिकता को खतरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सिर्फ एक ही वर्ग नज़र आ रहा है, फिर आप कैसे दावा करते हैं? ये यूथ कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो यूथ कांग्रेस नज़र आएंगी, लेकिन ग्राउंड पे आपको सारे लोग नज़र आएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मसरूर खान है, मैं महाराष्ट्र प्रदेश सेक्रेटरी हूँ यूथ कांग्रेस।